कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए छपरा शहर के बाजार में सड़क पर उतरे डीएम, एसपी और एसडीओ सोशल डिस्टेंस और मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की और जुर्माना वसूला। जिले में प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसपी खुद ही सड़क पर उतरे और शहर के नगर पालिका चौक पर दुकानों की जांच की और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील कराया और जुर्माना वसूला। सड़कों पर बिना मास्क के आने जाने वालों पर भी प्रशासन ने जुर्माना वसूला और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। छपरा में बढ़ रही है, खासकर के छपरा नगर निगम क्षेत्र में, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दुकानों में भीड़ देखी जा रही है, बिना मास्क लगा करके दुकानदार भी सामान बेच रहे हैं और लोग भी खरीद रहे हैं। तो यह अभियान पहले से ही चल रहा है, आज हम लोग इसमें और शक्ति ला रहे हैं। जिन दुकानों में ऐसी अनियमितता पाई गई है वो दुकानें बंद रहेंगी, इसमें एसडीओ आदेश पारित करेंगे तो नोटिस होगा, साथ साथ फाइन भी लग रहा है। तो लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। लोगों को भी ये समझना होगा कि जो कोविड-19 का संक्रमण है वो आने वाले समय के साथ बढ़ ही रहा है। लोगों को सजग रहना होगा, आवश्यकता अनुसार ही घर से निकले और मास्क पहन करके ही निकले, जिसमें थोड़ा सा भी कोई लक्षण हो सर्दी खांसी बुखार का वो अपना टेस्ट कराए, डॉक्टर से सलाह ले, यही लोगों से अपील है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल News Times 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।